हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास थ्री सोशल साइंस लेसन थ्री। आज हम लोग इसका पार्ट टू पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड कंट्रीज। महाद्वीप जो हैं वो आगे की ओर से छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए हैं, जिसे देश कहा जाता है। आवर कंट्री इंडिया इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एशिया। हमारा देश भारत भी जो है वो एक एशिया का ही हिस्सा है। लुक एट द टू हाफ्स ऑफ द ग्लोब, दे शो ऑल द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। यहाँ दो आधे आधे भागों में ग्लोब्स दिए हुए हैं, जो कि सारे ओशियंस, महाद्वीप और महासागर को दिखाते हैं। मैप्स, अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑन फ्लैट सरफेस लाइक अ पेपर। मैप, मैप मीन्स नक्शा। नक्शा क्या है? वो एक पेपर की तरह समतल तय है। इट कैन बी अ ड्राइंग ऑफ ऑल सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ एनी पार्ट। और इसमें जो है पूरे पृथ्वी की सारे हिस्सों की ड्राइंग रहती है। मैप शो वेरियस फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, रिवर्स, प्लैंस, इटीसी। मैप जो है, नक्शा जो है, वो पृथ्वी के बहुत सारे हिस्से को दिखाता है, जैसे कि पहाड़, नदियाँ, मैदान इत्यादि। दे ऑल्सो शो द लोकेशन ऑफ वेरियस सिटीज एंड कंट्रीज। और वो जो है बहुत सारे देश और शहरों का भी लोकेशन दिखाता है। मैप कैन बी वेरी बिग और वेरी स्मॉल। मैप जो है वो बहुत बड़ा और बहुत छोटा भी होता है। दे कैन बी फोल्डेड, वी कैन कैरी देम इजली। ये मैप जो है वो क्या होता है, फोल्ड भी कर, मैप को फोल्ड भी किया जा सकता है और इसे हम अपने साथ आसानी से कहीं भी लेकर जा सकते हैं। वी कैन मेक अ मैप ऑफ द होल अर्थ। हम लोग पृथ्वी का एक मैप बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड अ वर्ल्ड मैप, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ल्ड मैप कहेंगे। द बिगर मैप विच कैन बी हंग ऑन वॉल्स आर कॉल्ड वॉल मैप। यानी कि सबसे बड़ा मैप, सबसे बड़ा मार्ग जिस पे, जिसके दीवारों पे त्रिशंकु बना होता है, जिस उसे हम लोग वॉल मैप कहते हैं। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। यानी कि नक्शे की किताब को हम लोग क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। एन एटलस कंटेन्स द मैप ऑफ कंट्री, स्टेट, सिटीज, रोड्स, रिवर, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, सॉयल, क्लाइमेट्स एंड रेनफॉल। एटलस जो है, एटलस में मैप, बहुत सारे देशों की मैप होती है, जिसमें राज्य, शहर, सड़क, नदियां, पहाड़, जंगल, फसल, मिट्टी, मौसम और भारी बारिश की भी सब कुछ इसमें डिटेल में दिया रहता है। डायरेक्शन इन अ मैप, यानी कि मैप की दिशा। चिल्ड्रेन लुक एट अ मैप हैंगिंग ऑन वॉल, द टॉप ऑफ द मैप शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, द बॉटम शोज द साउथ। अब यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है जो क्या शो करता है, यानी कि टॉप ऑफ द मैप, यानी कि मैप का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा। एंड द बॉटम शोज द साउथ, एंड नीचे का जो हिस्सा है वो क्या दिखाता है, साउथ का हिस्सा यानी कि दक्षिणी दिशा। ऑन योर लेफ्ट साइड इज द वेस्ट एंड ऑन योर राइट साइड इज द ईस्ट। अब यहाँ पर जो है बाएं साइड में वेस्ट दिखाता है यानी कि पश्चिम की ओर दिखाता है, और दाहिने साइड क्या दिखाता है, ईस्ट यानी कि पूरब की ओर दिखाता है। इन ऑल मैप्स द डायरेक्शन आर यूजुअली शोन इन सेम मैनर। यानी कि सारे मैप्स की जो डायरेक्शन है वो एक ही तरह की होती है। दीज डायरेक्शंस हेल्प अस टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द मैप्स। और ये दिशा जो है वो अलग अलग जगहों की लोकेशन को मैप्स पे, नक्शे पे दिखाता है। लुक एट द मैप ऑफ एशिया गिवन बिलो, ट्राई टू लोकेट आवर कंट्री इंडिया इन इट, इट इज लाई इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया। अब यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, मैप ऑफ एशिया है यानी कि एशिया का मैप दिया हुआ है। अब जिसमें हम लोग को ट्राई टू लोकेट आवर कंट्री, इसमें हम लोग को अपने देश को देखने की कोशिश करना कि हमारे इंडिया कहाँ पे है, और जिसे हम लोग एशिया इंडिया क्या है, हमारा देश भारत जो है वो एशिया का ही हिस्सा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग का भारत कहाँ पे है, तो उसमें हमारा भारत है यहाँ पे, हमारे इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस तरह जो है हम लोग का लेसन थ्री कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं सेंड कर दूँगी। आप लोग अच्छे से अपने नोट्स बुक में
उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा।